गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर। बच्चों, मॉडल टेस्ट पेपर हमारे बेस्ड ऑन चैप्टर 10 to 17 है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कब आपने कि ये कौन कौन से चैप्टर हैं 10 to 17। 10 चैप्टर है फूड वी ईट, 11 क्लोथ्स वी वियर, 12 है आवर फेस्टिवल, 13 है आवर कम्युनिटी, 14 है ऑक्यूपेशन इन विलेजेस एंड सिटीज, 15 है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, 16 है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, 17 है द स्टोरी ऑफ अर्ली मैन। तो बच्चों, इन लेसन का हम मॉडल टेस्ट पेपर बना हुआ है, उसको सॉल्व करना है। मॉडल टेस्ट पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वन वर्ड आंसर है, ट्रू फॉल्स है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। तो आज हम ए और बी एक्सरसाइज करेंगे, डैट मीन्स एफ फिल इन द ब्लैंक्स एंड वन वर्ड आंसर्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन, ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम आर वेराइटीज ऑफ, क्या होती है, दाल की वेराइटी होती है, मूंग की दाल, काली दाल, ये जो भी है दाल की वेराइटीज़ है ग्राम्स। तो ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम आर वेराइटीज ऑफ पल्सेस। नेक्स्ट है डैश इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द लॉर्ड रामास विक्ट्री ओवर राम। तो जब रामचंद्र जी आए थे उनकी विजय के रूप में, जब उन्होंने रावण का वध किया, तो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं बच्चों, वो लिखना है, दशहरा करते हैं तो दशहरा ही लिखेंगे। दशहरा इज अ सेलिब्रेटेड टू मार्क लॉर्ड रामास विक्ट्री ओवर रावण। नंबर थ्री, वी गो टू अ डैश व्हेन वी आर सिक। जब हम लोग बीमार होते तो हम लोग कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। वी गो टू हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक। बोट्स आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बोट कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, एयर नहीं हो सकता, लैंड नहीं हो सकता, तो वाटर ट्रांसपोर्ट है। बोट कौन सा ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है। अर्ली ह्यूमन्स टाइड हॉलो लॉग्स ऑफ वुड टुगेदर टू फॉर्म ऑफ, किस चीज़ के लिए किया था उन्होंने लॉग का, वुड ऑफ लॉग, तो उन्होंने व्हील के लिए किया था, जो लॉग ऑफ वुड उन्होंने यूज़ किया था अर्ली ह्यूमन्स ने, वो व्हील को बनाने के लिए किया था। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हमारे फिनिश हो जाते हैं। आइए देखते हैं हमने कौन कौन से फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या फिल किया, ठीक है। नंबर वन, ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम आर वेराइटीज़ ऑफ पल्सेस। नंबर टू, दशहरा इज सेलिब्रेटेड टू मार्क लॉर्ड रामा विक्ट्री ओवर रावण रावणा। नंबर थ्री, वी गो टू अ हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक। नंबर फोर, बोट्स आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। नंबर फाइव, अर्ली ह्यूमन्स टाइड हॉलो लॉक्स ऑफ वुड टुगेदर अ फॉर्म ऑफ व्हील। तो यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश होते हैं। बी नंबर देखते हैं, राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें एक वर्ड बताना है, एक सेंटेंस में आपको इसका आंसर फिनिश करना है, ठीक है। भेलपूरी इज़ अ फेमस डिश ऑफ दिस स्टेट। महाराष्ट्र लिख दीजिए, महाराष्ट्र की फेमस डिश क्या है, भेलपूरी। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन इन आसाम। आसाम की ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है बच्चों, धोती कुर्ता। नंबर थ्री, द फेस्टिवल इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो सबको पता है होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, लाइट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ दिवाली, है ना। दिस इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। शिप ऑफ डेजर्ट क्या है, कैमल, रेगिस्तान का जहाज। नंबर फोर, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मोस्ट कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन कौन सा है, ये नहीं पूछ रहे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछ रहे, तो यहाँ पे हमारा टेलीफोन आएगा। स्टूडेंट, यहाँ वन वर्ड्स हमारे फिनिश हो गए हैं, एक बार और देख लेते हैं। नंबर वन, भेलपूरी इज़ अ फेमस डिश ऑफ दिस स्टेट महाराष्ट्र। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन इन असम, धोती कुर्ता। दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली। This is called the ship of desert, camel. This is a most popular means of communication, telephone. अब next class में हम true and false and question answers करेंगे। आप इनको learn करोगे, इसको write करोगे, but कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसको learn नहीं करेगा। सभी बच्चे इसको learn करके मुझे voice note में अपना भेजो कि मैम मैंने ये learn किया, इस question के answers बोल के आप मुझे send करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए, ट्रू एंड फॉल्स भी आप
फाइंड आउट करिए, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कल के क्लास में और ये बुक फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसका रिवीजन करना शुरू करेंगे। नाउ बच्चों गुड बाय।